सुसाइड के विचार चल रहे हैं इस समय, रीमा कर रहा बाते इसी समय, जो लोग शैतान डाल रहा आपके, इसी समय जो निराशा ने आपके दिमाग को पकड़ रखा है, घेर रखा है, आपको लगता है मैं इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकता, मरना ही, इसी समय ऐसे लोग जो अपनी लाइफ में निराशा से भर चुके हैं आगे आ जाएंगे। इसी समय यदि आपके मन में सुसाइड के बार बार विचार आ रहे हैं, इसी समय आगे आ जाओ। रीमा खराबा सोखो रेवे से या मामा मारे रोबो को रमा से, बार बार सुसाइड करने के विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं, हत्या करने के विचार मैं देख रही हूं। ऐसी बहन को जो खुद भी चाहती है मरना और अपने बच्चों को भी चाहती है मारना, क्योंकि आपको कोई होप नजर नहीं आ रही, आपको कोई आशा नजर नहीं आ रही, और आपको लगता है मैं क्या खाऊंगी, कौन मेरा करेगा, और आपके मन में सुसाइड के विचार आते हैं, इसी समय आगे आ जाओ। ऐसे लोग रीमा खराबा से रेबेखे रेबे से, जिनके मन में सुसाइड के विचार आते हैं, रीमा खलाबा सोको रेबे से रबा बाबा बारे रीमा मामा रे, आपको दिखाई देता आप ट्रेन के आगे जा रहे हैं, आपको दिखाई देता आप जहर पी ले, आपको बार बार आपके मन में अलग अलग आइडिया डेवल देता है, इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको डिलीवर करने जा रहा है आज। रीमा खराबा से रेबे खेले में शिखा रबा से, आपका फेलियर आपको आपको दो आगे नहीं बढ़ने देता, इसी समय रीमा खराबा से, बहुत बार आपको लगता है मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाई, आपको लगता है मेरा मरना ही ठीक है, आपके आपको दुष्ट आत्माएं गलत गलत चीजें बोल दी हैं, आपके परिवार वालों ने जो कुछ आपके विषय में बोला है वो बातें आपको खाती हैं, और आपको लगता है आपको मर जाना चाहिए। ओ रीमा खराबा से मैं आपको बोल रही हूँ, ये शैतान आपके मन में डाल रहा है, प्रभु ने आपको जीवन के लिए बुलाया है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपसे बहुत अधिक प्रेम करता है, वो इसीलिए आया ताकि आपको जीवन दे, भरपूरी का जीवन दे। इसी समय मैं आज प्रार्थना करती हूँ, ऐसे लोग अपने हाथों को उठा के इसी समय दुष्ट आत्माएं इसी समय हर सुसाइड की आत्मा रीमा मामा रे रबा खरमा सोको रेबे से रेबे केले में शिखा रबा से रबा खरमा से, प्रभु से बोलो, प्रभु से इसी समय बोलो, प्रभु मुझे क्षमा कर, बोलो ये जीवन मेरा नहीं है, प्रभु बोलो ये जीवन मेरा नहीं है, बोलो प्रभु ये जीवन तेरा है, परमेश्वर ये जीवन तेरा है, और मेरे पास अधिकार नहीं है इस जीवन को खत्म करने का, बोलो परमेश्वर ये जीवन तेरा है, ये जीवन तेरा है, रीबा खराबा सो, बोलो आज मैं, जोर से बोलो आज मैं अपने प्राण अपनी आत्मा अपने शरीर अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में देता हूँ, परमेश्वर के हाथ में देता हूँ, आज से मैं दीर्घायु को लूंगा, बोलो मैं दीर्घायु को लेता हूँ, परमेश्वर ने मेरे लिए बड़ा प्लान रखा है, बोलो मैं परमेश्वर का प्लान मेरे जीवन में पूरा होगा, आज से हर बुरी आत्मा जो मुझे मरने के लिए उकसाती है मेरे जीवन से निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए, यीशु के नाम से, आमेन, बाय फायर, फायर, होली गॉड फायर, फायर, रीमा खराबा से रेबे केले में पासिटी। अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, एक बहन है जो खुद भी मरना चाहती है और अपने बच्चों को भी मारना चाहती है, और सचमुच जब आपने प्रोफेसी करी है बहन जोर जोर से चिल्लाने लगी, और एक बच्चा ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तीन बच्चे थे और एक बच्चा खत्म हो चुका है और दो बच्चे बचे हैं, और ये बोल रही थी कि मेरे अंदर ऐसा महसूस होता मैं खुद भी मर जाऊं और बच्चों को भी मार दूं, और एक बच्चा ऑलरेडी खत्म है।
कितने वो समझ में आ रहे हैं। आप यहाँ पर ऐसे नहीं आए, प्रभु आपको बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए लाए चुंगल से रीमा खराबा से केरे और पास्टर ये सब हैं, ये बता रहे हैं कि इनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, मर जाने के विचार आते हैं और ये अपनी जिंदगी से बहुत परेशान है कि हम जीना नहीं चाहते। कितने लोगों के मन में मरने के आइडिया आते, कैसे मरूं, हाँ विचार आते किस रीति से मरूं, आज पकड़ लिया मुझको, हाँ पकड़ लिया मुझको, आज आज पकड़ लिया, किसने पकड़ लिया, आज पकड़ लिया, तूने क्या किया इसके जीवन में, मैंने बहुत कुछ कर दिया इसके जीवन में, क्या किया, बहुत कुछ, इसके बच्चे को मारा, इसके बच्चे को मारा, कैसे मारा, हाँ मैंने मारा था, वो घोट के मारा था, गला घोट के मारा था, हाँ जी, और इसके दो बच्चों को भी मारना चाहती है, हाँ जी, अभी भी बचा, मुश्किल से बचा, अभी भी, अभी भी मुश्किल से बचा, मुश्किल से बचा इसका बड़ा बेटा, क्या किया था तूने, मैंने उसको ऐसे ही मारना चाहा था लेकिन मरा, कैसे मारना चाहा था, जैसे पहले वाला मारा था, गला घोट के, तू लेकिन आती है यहाँ से, जब से यहाँ रही है, जब से इसके सारे काम बन रहे हैं, आज मुझको सुमार के पकड़ लिया सारी का, तो समझ में आ, आज पकड़ लिया, जल गई तू, इन द नेम ऑफ जीसस मैं कमांड करती हूँ, डबल शॉर्ट बॉडी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, शॉर्ट इसी समय निकल इसकी बॉडी से, इसके घर से, इसके बच्चों से, हर प्लान मैं कैंसल करती हूँ, डिमन तेरा यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरे से जो भी गलतियां हुई, जो भी मैंने सोचा, शैतान ने मुझे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन आज मैं तेरे पास आया हूँ, तू जीवन देने वाला परमेश्वर है, प्रभु आज से मैं यीशु मसीह आपके जीवन को ग्रहण करता हूँ यीशु के नाम से, आमेन, हालेलुया। पास्टर ये बहन भी बता रही है इनके मन में विचार आता कि मैं जहर खा के मर जाऊं, क्यों क्यों आते हैं आपके मन में विचार, बस ऐसे आते हैं मन में कि मैं जीना नहीं चाहती हूँ, जीना नहीं चाहते, मन करता जहर खा के मर जाए, कितने टाइम से, दो तीन महीने से ऐसे विचार आ रहे हैं, और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है आपको, सिर्फ विचार आ रहे हैं, विचार आते हैं, इन द नेम ऑफ जीसस आउट दुष्टात्मा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये बहन भी बता रही है कि मैं ऐसे लगता है मैं गोली खा के मर जाऊं, कोई जहर की गोली ले लूं और मर जाऊं, और ये कह रहे हैं इन्होंने ट्राई भी किया था एक बारी, आपका मन करता मर जाऊं, कितनी एज आप जी, 19 साल, इतनी छोटी उम्र में, अभी जिंदगी शुरू भी नहीं हुई, और बस ये बहन कंपनी में जॉब करती है, और क्यों आते हैं विचार जी, मैं थोड़ी सी बीमार रहती हूं, इसलिए मन में आता कि मर जाए, अपने हाथों को उठाओ, मैं प्रार्थना करती हूँ इसी समय, परमेश्वर इसी समय हर बीमारी, हर मृत्यु इसकी लाइफ से निकले by fire in the name of Jesus, in the name of Jesus, touch। ये बहन भी बता रही है कि इनको स्वप्न में ऐसे महसूस होता है, ऐसे सपने आते हैं कि कोई इन्हें मार देना चाहता है, इन्हें खत्म कर देना चाहता है। In the name of Jesus, आपको समझ आ रही है? तू आज का जो वचन अगर आपने ध्यान से सुना है, शैतान के प्लान फेल हो चुके हैं, अगर आज आपने अंगीकार किए सही, शैतान का प्लान फेल है, क्योंकि आज से आपको जानना है परमेश्वर ने आपको चुना है, इन द नेम ऑफ जीसस आउट, इन द नेम ऑफ जीसस, हर दुष्ट आत्मा चट पड़ी, मल्टी नेम ऑफ जीसस आउट, निकल बाहर, छोड़ इसकी बॉडी, आज इनके माइंड आजाद हो, इन द नेम ऑफ जीसस, हाँ क्या करना है, हाँ क्या चाहती है करना, यहाँ पे बोल, हाँ
मारना चाहती इसे? हाँ क्यों? हाँ मसान मसानी है? हाँ हाँ काय के लिए आई है? मैं क्या चौथी पीढ़ी मत पूछ दे यार मनु। चौथी पीढ़ी से आ रही है? अच्छा एक प्रेत है। तो प्रेत है? 12 साल का। 12 साल का प्रेत है? और कौन है? हाँ और कौन है? अच्छा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है तुझे यहाँ पे? क्या हो रहा है बोल जल्दी। स्वर्गदूत पीट रहे हैं तेरे को? अच्छा कौन कौन है एक बार फिर से बता दे। हाँ कौन है? मसान। और 12 साल का प्रेत है पेट में बैठा। 12 साल का प्रेत है जो पेट में बैठा है? क्या कर रहा है पेट में बैठ के? हाँ क्या कर रहा है? क्या करना चाहता है यहाँ पे आके? हाँ क्या किया तूने यहाँ पे? मैं मार दूंगा। तू मार देगा? क्यों क्यों मार देगा? इसके साथ बहुत बुरा किया। तूने इसके साथ बहुत बुरा किया? 25 साल तक जिंदगी ब्याही आई। 25 साल से? हाँ तेरे का इसके गाल लग गया। उसके इसके साथ लग गया? हाँ इसकी बेटी मार दी 22 साल। इसकी बेटी मार दी? कितने साल की? 22 साल की। 22 साल की बेटी मार दी? किसने मारी? मैंने। तू कौन? मैं प्रेत 12 साल का। प्रेत 12 साल का? तूने इसकी 22 साल की बेटी मारी? कैसे मारी? पहले मैंने बीमार करी। पहले बीमार करी फिर? 1.5 साल बीमार रखी। 1.5 साल बीमार रखी? इलाज नहीं होने दिया। इसका इलाज नहीं होने दिया? फिर क्या किया? हाँ फिर क्या किया? फिर मैंने हाँ खून की उल्टियां लाई। खून की उल्टियां लगाई तूने उसको? अस्पताल में फेरे। फिर दोनों मामा दिया बीमार कर दिया। दोनों मामा दिया बीमार कर दिया? अस्पताल में भेज दी मैंने। अच्छा फिर वहां पे मार दिया उसको? मार दिया वहां पे? हाँ यस इन द नेम ऑफ जीसस। समझ में आ रही है? बीमारी कौन देता है? कौन देता है बीमारी? मौत कौन देता है? शैतान। बोले 4 पीढ़ी से मुझे मानते हैं। समझ आ रही है? 4 पीढ़ी से मानते हैं और जिसको मानते हैं वो हाल करा कर रहा है। देखो समझ आ रही है? संसार को स्वर्ग को धरती को मनुष्य को बनाने वाला परमेश्वर यीशु है। हालेलुया। जिसको मानते हैं 4 पीढ़ी से वही ने 22 साल की बेटी मार दी। वही कितनों को समझ में आ रही? कहते परमेश्वर इक्को ही है जिन्हें तुम्हें बनाया ना उसकी खोज करो। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ दूत मार रहे हैं। हाँ यीशु मसीह यहाँ पर है। हाँ मैं कमांड करती हूँ इसी समय परमेश्वर के दूतों को इसी समय इसके पेट को काटे यीशु मसीह के नाम से। प्रेत को काटे यीशु मसीह के नाम से। काटे यीशु मसीह के नाम से। काटे यीशु मसीह के नाम से। हर दुष्ट आत्मा जो प्रेत इसके पेट में दूत काटे उसे यीशु मसीह के नाम से। मैं कमांड करती हूँ दूत इसके मरे कान पे यीशु मसीह के नाम से। आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। इन द नेम ऑफ जीसस। आमेन। मैं कमांड करती हूँ खुदा के दूत दुष्ट आत्माओं को मारे यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस। दूतों की तलवार चले इन द नेम ऑफ जीसस। अब छोड़ते अब ये तेरा घर नहीं। अब यहाँ यीशु मसीह रहेगा। तेरे सारी अथॉरिटी को सारे बंधन को जो 4 पीढ़ियों से कनेक्शन है उसको मैं ब्रेक करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज से ये जिंदा परमेश्वर की आराधना करेगी। जिंदा परमेश्वर को सजदा करेगी। पवित्र आत्मा यहाँ रहेगा। इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस। In the name of Jesus.
बारह बारह इन द नेम ऑफ जीसस। चुट 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 पेट से बारह, इसके पेट से बारह, निकल मुंह से, निकल अपना मुंह खोल, दुष्ट आत्मा अपना मुंह खोल, निकल बार यीशु मसीह के नाम से, खोल 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 अपना मुंह खोल, जितना खून पिया है तूने लोगों का बार निकाल यीशु मसीह के नाम से, इसी समय हर सामर्थ बार निकले, अपना मुंह खोल इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इसी समय दूत इसकी सामर्थ को, इसकी शक्तियों को काटे, इसकी सारी शक्तियां निष्फल हो जाए यीशु मसीह के नाम से, आउट इन द मल्टी नेम ऑफ जीसस, बी फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। पास्टर जी, ये भाई भी बता रहे हैं कि एक दूसरे की खुशी को ये देख नहीं पाते और ये बहुत जलन की फीलिंग इनके अंदर आती है, और ये बताते हैं जब दूसरा उन्नति करता है तो बहुत जलन इनके अंदर आती है, और जब दूसरे का कुछ नहीं कर सकते ये अपने आप को मारने लगते हैं, अपने आप को थप्पड़ मारते हैं, अपने आप के कपड़े तक फाड़ लेते हैं, और इनको पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है इनके साथ। कितनों को समझ में आ रही है, जलन की आत्मा होती है, लोगों को लगता है ये तो इसकी बहन है शायद इससे प्यार करती है, नहीं, वो बंदा हर एक को देख के जलेगा क्योंकि वो जलन की आत्मा उसके अंदर है। मैं कल ही किसी से बात कर रही थी, मैंने कहा अगर एक व्यक्ति के अंदर जलन की आत्मा है तो मत सोचो कि ये इसका सगा है और इसका बुरा चाहेगा, वो सबके लिए उसके अंदर जलन की आत्मा होगी। अगर चोरी की आत्मा है तो वो सबके यहां से चोरी करने की सोचेगा, भले उसका सगा भाई भी क्यों नहीं है। समझ आ रही है आपको? अगर एक आत्मा किसी के अंदर है तो वो सबके लिए बुरी है। अभी क्या बोल रहे, किसी की उन्नति होती है मुझे जलन होती है देखकर, तो मैं किसी का तो नहीं बिगाड़ सकता, अपना ही बिगाड़ता हूं, ये स्पिरिट है इन द नेम ऑफ जीसस। और उस जलन के कारण तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी फैमिली, सब कुछ शैतान ने डिस्ट्रॉय की है। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मुझे आजाद कर, परमेश्वर मुझे आजाद कर, परमेश्वर मुझे आजाद कर, रीबा खारा बासे। अपने हाथों को उठाओ, इसी समय मैं कमांड करती हूँ हर दुष्ट आत्मा, हर सुसाइड करवाने वाली दुष्ट आत्मा, इसी समय जलन की दुष्ट आत्मा इसके अंदर से बाहर आए यीशु मसीह के नाम से, बाहर आए यीशु मसीह के नाम से, by fire in the name of Jesus, out, out, devil छोड़ दे, छोड़ 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 छोड़, रीबा खराबा से, छोड़ 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 छोड़, इसी समय ये spirit out in the name of Jesus, छोड़ इसके mind को, छोड़ 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 छोड़। पासरी भाई बता रहे हैं कि जब भी ये पंखे को देखते हैं इन्हें महसूस होता है कि मैं पंखे पे लटक के अपनी जान दे दूं, मर जाऊं। समझ आ रही है? हम भी पंखे को देखते हैं लेकिन हमें नहीं महसूस होता, लेकिन जब स्पिरिट आती है, दुष्ट आत्मा का अटैक है ये। समझ आ रही है? पंखे को देख रहे लटक जाओ, नदी को देखा डूब जाओ, ट्रेन को देखा कटके मर जाओ, ऐसे विचार डेविल डालता है। असली परसों ये सेवा करने के लिए आए थे और आप जब जगह पे आए थे तो आप इनके लिए प्रेयर कर रहे थे। हाँ। और आपने इनको कहा था कि पवित्र आत्मा मुझसे बात कर रहा है कि डेथ की स्पिरिट तुम्हारे पीछे है, और पास्टरी जब आपने इनके लिए प्रार्थना करी आश्चर्यचकित थे कि आपको कैसे पता, और जब आपने प्रेयर करी उस समय डिप्रेशन की गोलियां इनके अंदर थी और ये बता रहे ऐसी मैं महसूस कर रहा हूँ और मैं सुसाइड करना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता, मैं जीवन से तंग आ गया हूँ, और डिप्रेशन की गोलियां ये लेके, डिप्रेशन की गोलियां जेब में थी। हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है आपके जीवन खत्म है, मैं सुसाइड कर लूं, खत्म हो जाऊं। हाँ जी, बिल्कुल। कौन जानता है आपकी प्रॉब्लम, कौन जानता है आपके मनों में कौन क्या चल रहा है? यीशु, यीशु मसीह, और वो जीवन देने आया, मौत नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम को हल करने के लिए आया। ये भी बता रहे कि ने भी सुसाइड के ख्याल आते हैं और क्या क्या विचार आता है? कितनी उम्र है तुम्हारी? मेरी 21 साल है। क्या क्या आता मन में? जैसे जी बाइक पे जाता हूँ ना, ट्रक रुक देखता हूँ, जी करता है बस नीचे ट्रक के अंदर डाल दूं बाइक। हाँ जी, 21 साल उम्र है तुम्हारी। समझ आ रही है? आप सोचो, जरा सा बंदा जा रहा है बाइक पे, जरा सा दिमाग में आई और कर दिया, खत्म कहानी,
लाइफ खत्म है, नरक में जाते हैं। जो सुसाइड करते हैं वो लोग नरक में जाते हैं, याद रखना एक चीज, सुसाइड एक पाप है। जो लोग आत्महत्या करते हैं वो नरक में जाते हैं। कितनों को समझ आ रही है ये विचार? शैतान के इसको रिब्यूक करो, डांटो, बोलो निकल, मेरा जीवन यीशु के अंदर है, मेरा जीवन यीशु के अंदर छुपा हुआ है। बोलो मेरे को परमेश्वर ने दीर्घायु दी है। हालेलुया। प्रे करो, अपने परिवारों के लिए प्रे करो। अगर कहीं आप नहीं जानते, आपके परिवारों में, आपकी फैमिली में किसी बंदे के अंदर ये विचार चल रहे हो, प्रे करो इसी समय। डांटो इस स्पिरिट को, बोलो हर मृत्यु की, आत्महत्या की गंदी आत्मा, वो विचार जो शैतान मेरे परिवार में, मेरे बच्चों के, मेरे जीवन में डाल रहा है, इसी समय उन विचारों को मैं निकलने के लिए बोलता हूँ। उन दुष्ट आत्माओं को मैं निकलने के लिए बोलता हूँ यीशु मसीह के नाम से। इसी समय प्रे करो, प्रे करो, प्रे करो सब जन। रीमा खराबा से प्रे करो, प्रे करो। होली 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 रीमा मा मारे। इसी समय हर दुष्ट आत्मा जो रात को इसे तंग करती है, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। 12 12 12 12 हर मृत्यु का आत्मा 12 यीशु मसीह के नाम से निकले बाहर इसी समय, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। ये अभिषेक इनके बंधनों को तोड़े। यीशु के नाम से मैं इसके जीवन को यीशु के लहू में छुपाती हूँ। हर एक्सीडेंट की स्पिरिट कैंसल हो इन द नेम ऑफ जीसस। क्या करें यहाँ पे? गुस्सा आता है, घर में रहने का दिल नहीं करता। हाँ, मैं कुछ काके मार जाऊँ, मन करता मर जाए। हाँ, इसी समय हर जादू टोना आउट इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़े इसकी बॉडी को, इसके माइंड को, आउट। ये सब फ्री है यीशु मसीह के नाम से, ये सब आजाद है इस दुष्ट आत्मा से यीशु मसीह के नाम से। पास जी बहन का नाम अनीता है, मुस्तापुर से है। ये बताते हैं कि 10 साल से इनके मन में गलत विचार आते थे, मन में आता था कि खुद को मार दूं और अपने बच्चों को मार दूं। ये बताते कि आज जैसे इनके लिए प्रार्थना हुई और ये बताते ऐसा लगा कुछ निकल के गया है और बिल्कुल हल्का महसूस कर रहे हैं, और बताते कि 10 साल के बाद ये आराम महसूस कर रहे हैं, इनको हल्का महसूस हो रहा है। तारीफ करो परमेश्वर की। शैतान का काम है चोरी करना, घात करना और हत्या करना। यीशु का आया जिंदगी देने और भरपूरी की जिंदगी देने। पास्टर जी बहन का नाम राजू देवी है। ये बताते 3-4 साल से इनकी कमर में, सर में, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था और हमेशा कमर में दर्द रहता था, लेकिन प्रेयर के बाद ये बताते 3-4 साल से जो दर्द था बिल्कुल जा चुका है, अब कोई दर्द नहीं अभी है। कोई दर्द नहीं है 3-4 साल से, पूरी बॉडी में, पीठ में, अभी झुको, कोई दर्द नहीं। तारीफ करो। बस ये बताते कि 2-3 महीनों से इनको एलर्जी थी और इनकी नाक हमेशा बहती रहती थी, डॉक्टर से दवाई ली, कोई आराम नहीं आया, और ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे और जैसे ही आपने घोषणा की बताते उसी समय पूरी एलर्जी खत्म हो गई। हालेलुया। तारीफ करो यीशु की, तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ करो, तारीफ के योग्य है। धन्यवाद करो परमेश्वर का।
वासी जी बहन का नाम बलजीत है, ये बताते हैं इनको लगातार सुसाइड के थॉट्स आते थे और घर में बहुत क्लेश रहता था, सर हमेशा भारी रहता था। और ये बताते हैं आज प्रार्थना के बाद ऐसा लगा कुछ निकल के गया है और उसी समय ऐसा लगा सिर बहुत हल्का हो गया, अब आराम महसूस कर रहे हैं। मन में क्या आता था? मन में बचार मेरे नहीं आता थे भी, मैं मर जाऊं, डूब जाऊं, कहीं जाकर चली जाऊं या कहीं मुड़का वापस ना उड़ाऊं। आज क्या हुआ? प्रभु ने मुझे ऐसा छुआ, जब भी मेरी प्रार्थना हुई कि प्रभु ने छुआ, मुझे ऐसा लगा भी जैसे मेरे अंदर से कुछ निकल कर गया। और उसके बाद आपके अंदर शांति और हल्का बना, शांति दी प्रभु ने, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज पहली बार आए आप? हाँ जी आज पहली बार। आपकी पड़ोसन लेके आई आप? हाँ जी मेरी पड़ोसन लेके। धन्यवाद कर जी। इस भैन का नाम गुरप्रीत है। ये भैन डे साल तो दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम सी और हर बार आत्म हत्या करने बारे सोचते सी, लेकिन जिदा अज तुसी प्रार्थना की इन्हों लगे कुछ इन्हों की बॉडी चो निकल के गया और तुहानू लगे कुछ बॉडी चो निकल के गया। हाँ जी। और हमेशा मन करता सी भी मर जा। हाँ जी, हाँ जी। कितना मर जा? घर में क्लेश था जी, ऐसे लगता है कि अपने पति को ही मार दूं आप भी मर जाऊं। तारीफ करो परमेश्वर की, सचमुच प्रभु महान है, परमेश्वर ने आज डिलीवर किया। तारीफ करो।